सर सबने अपने बयान दे दिए हैं, पर रुखसाना बेगम ना कुछ बोलती हैं और ना ही हिलने का नाम लेती। पूछताछ करने पर पता चला कि इसका पति दिनेश्वर मिश्रा एक प्रेस चलाता था। इसका बेटा रौनक पास के गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था। इसकी बेटी जिया श्यामलाल कॉलेज में। बाकी सबकी लाशें बरामद हो गईं, लेकिन इसकी बेटी का कोई अता पता नहीं। देखिए, ऐसी स्थिति में नुकसान तो होता ही है, और फिर घटनाओं पे किसका वश? मैडम जी, कुछ तो बयान लिखना पड़ेगा ना। अब यूं चुप रह के कुछ हासिल होने वाला तो नहीं हा? जी हम अच्छा, तो तुम यही कहना चाहती हो ना कि गुंडों को ऊपर आता देख दंगाइयों को ऊपर आता देख दहशत से कांपते हुए तुम लोगों ने अपने आप को सोने वाले कमरे में बंद कर दिया। तुम, तुम्हारा मर्द, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी कमसिन खूबसूरत बेटी, लिख लें। और फिर बेकाबू भीड़ ने तुम लोगों को बाहर आने के लिए कहा, और फिर जोर जोर से दरवाजे को थपथपाना शुरू किया, उसे लाते मारने लगे। और जब तुम लोग बाहर नहीं आए तो उन्होंने कुल्हाड़ियों से दरवाजे को चीर दिया। लिख लें। उसके बाद दाखिल हुई भीड़ ने तुम्हें घर के कोने कोने में ढूंढा, और जब सोने वाले कमरे को बंद पाया तो उसे भी कुल्हाड़ियों से चीर गिराया। यही हुआ था ना? उनकी अगली कुल्हाड़ी अलमारी की आड़ में छिपे तुम्हारे बेटे की तरफ बड़ी ही थी कि तुम्हारे बेटे ने डर के मारे तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और नीचे गिरते ही अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा हुआ था। लिख लें। और दिल का मरीज तुम्हारा मर्द ये सदमा झेल नहीं पाया, और कुल्हाड़ी उठने से पहले ही वो इस दुनिया से कूच कर गया। ऐसे ही हुआ था। लिख लें।
अब तुम पर नजर पड़ते ही तुम्हारे मुंह में तकिए का गिलाफ ठोस दिया, तुम्हारे बालों से घसीटते हुए तुम्हें गुसलखाने में बंद कर दिया। हाँ? लिख ले। अच्छा ये सर से पल्ला हटाओ जरा, अपने बाल तो दिखाओ, बताओ जरा कैसे पकड़ा था। अरे हटा तो। हाँ तो तुमने गुसल खाने से अपनी बेटी की लगातार चीखें सुनी, पुकार रही थी तुम्हें, अम्मा हमें बचा लो, अम्मा हमें बचा लो। तुम्हारा अनुमान है कि 6-7 लोगों से कम ने उसके साथ कुकर्म नहीं किया होगा, हैं? गुत्थी सुलझी नहीं रही। अगर 6-7 लोगों ने उसके साथ जबरई की होती तो आज बेटी लाश बनी पड़ी मिलती। भाई बाकी सब लोगों की तो लाशें बरामद हो गई, लेकिन तुम्हारी बेटी की लाश बरामद नहीं हुई। हाँ तो पुलिस करीबन 1.5-2 घंटे बाद तुम्हारे घर पहुंची और तुम्हें गुसल खाने से मुक्त करा दिया। अब जरा सोच कर बताओ कि तुम्हारी बेटी आखिर कहाँ गई होगी, कहाँ जा सकती है भाई, उसे हम कहाँ ढूंढें? भाई हमारा ख्याल तो ये है। जरा ठहरिए दुर्गा साहब, हमारे मुंह में भी जुबान है। वाह तो तुम बोल सकती हो। चलो अगर मुंह में जबान है तो उसे जरा कष्ट दो और ये बताओ कि तुम्हारी बेटी कहां जा सकती है। आपके घर। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया औरत? क्यों, आपके घर में बेटी नहीं है? मेरे घर में मेरी बेटी है। ना, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी की चलती फिरती लाश। घर जाइए दरोगा साहब और उस बच्ची को गौर से देखिए, मेरी बेटी बरामद हो जाएगी। Thank you.